हेलो दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस तरह के जो भी डोर के लॉक होते हैं ना, ये बहुत सी बार ये प्रॉब्लम आता है। जो हमारे डोर्स के लॉक है ना, ये इस तरह ऑटोमेटिकली हम घर से बाहर जाते हैं और दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सी बार हवा के कारण या फिर हम गलती से डोर लगा देते हैं और हमारे पास चाबी नहीं रहती। तो मैं ये वाले लॉक की बात कर रहा हूँ। ये जो होता है ये परमानेंट लॉक होता है, ये खोलने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जो होता है टेम्पररी लॉक, ऑटो लॉक, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। ये अगर लॉक हो गया तो आप और आपके पास चाबी नहीं है तो वो कैसे खोल सकते हैं, ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाय चांस मैं बाहर जाता हूँ, घर में कोई नहीं है और मेरे पास चाबी भी नहीं है और ये इस तरह लॉक हो गया। ये देखो लॉक हो गया। तो अभी हमें इस प्रॉब्लम में क्या, एक तो लॉक तोड़ना पड़ता है और या तो चाबी वाले के पास जाके दूसरी चाबी बनानी पड़ती है। तो आज एक एकदम सिंपल ट्रिक दिखाने वाला हूँ, उससे आप एकदम इजीली ऐसा कभी प्रॉब्लम आ गया तो ये लॉक खोल सकते हैं। फाइल आती है या फिर मोस्टली एक्सरे पेपर आता है उससे एकदम ईजी काम हो जाता है। तो ये सिंगल से नहीं हो रहा है इसलिए मैंने डबल करके रखा, और इधर गैप होती है वहां से हमें इस तरह ये इंसर्ट करना है। ये देखो इंसर्ट कर, थोड़ा डोर वगैरह हिलाना है। ये देखो ऐसे नहीं गया, तो इस तरह ट्राई करना है आपको। थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो एकदम इजीली ओपन हो गया। तो आप खोलोगे अंदर से, किसी ने खोला तो ये सेम ट्रिक है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कैसे खोलता है। लॉक करके लेता हूँ और मेरे पास चाबी नहीं है, कुछ नहीं, इसे ही खोलूंगा मैं। ये देखो इस तरह ये सिंपली डोर है, ये खुल गया। ये क्या होता है, ये जो होता है ये इसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहता, स्प्रिंग जैसा होता है, और इधर से जब फाइल गुजरती है ना तो ये अंदर चला जाता है और ये लॉक निकलता है। ये है, ये इधर फंसता है इसलिए। ये देखो इधर से फाइल जाएगी ना तो ये भी ऊपर आ जाता है और हमारा जो लॉक है ये सिंपली, ये जो हमारा डोर का लॉक का प्रॉब्लम आता है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई। तो ये इसका, ये जो वीडियो है इसका गलत इस्तेमाल आप मत कीजिए। तो गलत इस्तेमाल कर भी नहीं सकते क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो ये परमानेंट लॉक लगा के जाते हैं, और ये जो परमानेंट लॉक होता है ये इससे खुलेगा नहीं, ये जो टेम्पररी लॉक होता है वही खुलेगा इससे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।